नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक नए आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है रोजरी बायोटेक लिमिटेड। ये लॉकडाउन के बाद आने वाला पहला आईपीओ रहेगा, तो इस वजह से भी इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हों, इसमें बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइमलाइन बताऊंगा, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स, लेकिन फिर भी आईपीओ जो है 13 जुलाई को ओपन होगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 8 तारीख के बाद देख रहे हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मैंने अपडेटेड डिटेल्स शेयर किए हैं। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में जो आई का सिंबल है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की जो रहेगी वो 15 जुलाई की रहेगी। आईपीओ की जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं वो 8 जुलाई को आने वाली है, क्योंकि जैसा कि अभी सेबी ने नया रेगुलेशन बनाया था कि जब आईपीओ ओपन होने वाला हो उससे 4 या 5 दिन पहले ही आपको आईपीओ की डिटेल्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमको 8 जुलाई के आसपास इसकी बाकी की डिटेल्स पता चलेगी। टेंटेटिवली अगर बताई जाए तो अलॉटमेंट के बारे में आपको लगभग 20 जुलाई तक पता चल जाएगा। आपका अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो पैसा 21 जुलाई तक रिफंड हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग एक्सचेंज के अंदर 24 या 27 जुलाई को होगी, क्योंकि 24 जुलाई को फ्राइडे आता है। अगर उस दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर 27 जुलाई को यानी कि मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग एक्सचेंज के अंदर होगी। ये तीनों ही डेट थोड़ी टेंटेटिवली हैं, एक दो दिन आगे पीछे ये डेट्स हो सकती हैं। अगला जो चीज़ है आईपीओ की डिटेल्स, इसमें अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं 500 करोड़ के आसपास का इसका इशू साइज़ रहने वाला है। फेस वैल्यू भी 2 रुपये की कई जगह मेंशन की गई है कि इक्विटी शेयर की रहेगी, 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू रहेगी। आईपीओ का प्राइस बैंड अभी तक नहीं आया है, उसी तरीके से लॉट साइज़ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएससी एनएससी दोनों पे ही होगी। लेकिन एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितना पैसा लगेगा उसकी अभी तक क्लियरिटी नहीं हो पाई है। यह 8 तारीख तक आ जाएगा। आप 8 तारीख को वापस से मेरे चैनल पर आ सकते हैं, मैं अपडेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो में जो आपको आई का सिंबल ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका अपडेटेड वीडियो का लिंक ज्वाइन कर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा एक जो दूसरा चैनल है क्यूरियस वेल्थ का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैनल पे अपलोड करूं, तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए अब कंपनी के बारे में मैं बता देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, टेक्सटाइल के जो स्पेशलिटी केमिकल रहते हैं उनको बनाने में इनकी महारत है। ये अपने कस्टमर्स को एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है, जो कि एपरल के लिए या फिर एनिमल और पोल्ट्री फीड्स के लिए एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो केमिकल्स यूज होते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स को ये अपने कस्टमर्स को देती है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत ही अच्छा है। करंटली कंपनी 18 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, यानी कि ये सिर्फ एक कंट्री के ऊपर स्पेसिफिक बेस्ड नहीं है, इसके जो प्रोडक्ट हैं बाहर भी जाते हैं। कंपनी लगभग 1948 यानी कि 1948 तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर बनाती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो 3 कैटेगरी या फिर बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में मैं बात करूं, तो उसमें जो इनका पहला है वो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाते हैं, सेकंड वर्टिकल के अंदर वो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, और थर्ड वर्टिकल के अंदर वो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं या कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये कंपनी काम करती है। अब अगर मैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बताऊं कि आखिरकार ये आईपीओ या ये कंपनी क्यों अच्छी हो सकती है, तो जैसा कि आपने देख लिया इसके प्रोडक्ट लगभग 1900 के आसपास हैं, तो इनके प्रोडक्ट हाईली डाइवर्सिफाइड हैं। इसके साथ साथ एक लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल बनाने वाली कंपनी है इंडिया की, वो भी इसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये जो है अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने वाले लेवल जो है, अपनी कैपेसिटी को कंटिन्यू इंक्रीज करती जा रही है, वो भी इसके लिए एक स्ट्रेंथ की बात है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इस कंपनी के लिए वो ये है कि अभी जैसे जैसे चाइना के अगेंस्ट या फिर चाइना से जो इंपोर्ट किया जाता है उन केमिकल पे अगर बैन लगता है, तो हो सकता है कि इस कंपनी के लिए ये चीज़ बेनिफिशियरी हो और इसका प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है।
चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये जो फिगर्स हैं मिलियंस में, आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख रहे हैं, और अभी क्योंकि ये जो फिगर है सिर्फ सितंबर तक की आई है, फाइनल फिगर अभी भी नहीं आई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनल फिगर आपको बताऊंगा जब इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ सितंबर तक में अगर इन्होंने 300 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है, तो पूरे मार्च एंडिंग तक ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आप फाइनेंशियली भी देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, कंपनी का एक्सपेंशन बहुत ही अच्छे से हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छे से बना रही है। तो ये एक और चीज़ है कि आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, लंबे समय के लिए भी इसको बना के रख सकते हैं। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, आईपीओ की पूरी डिटेल्स कि आईपीओ के इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं, उनके प्राइस बैंड क्या है, उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, कंपनी की प्रोफाइल और बिजनेस मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फाइनेंशियल्स को अच्छे से बताऊंगा, उसी के हिसाब से वैल्यूएशंस को आपको बताऊंगा, और वैल्यूएशंस के बेस पे इसके पेयर कॉम्पिटिटर कौन कौन है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ग्रे मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि लिस्टिंग के दिन हमको कितना गेन हो सकता है, उसके बारे में भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा एक जो दूसरा चैनल है क्यूरियस वेल्थ का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैनल पे अपलोड करूं। तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर किया, मैं किसी को भी बायस सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको सही लगी हो तो एक बार आप अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही इस आईपीओ में अपना पैसा निवेश करें।